7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया है। शांतिपूर्ण ढंग से सभी बूथ पे मतदान चल रहा है और प्रत्येक बूथ पे केंद्रीय जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। मतदान 7 बजे सुबह से शुरू हुआ है और अभी तक बिल्कुल पीसफुल है। हम लोगों के पास भी जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है वो ना के बराबर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था का चप्पे पे इंतजाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूँ आपके साथ मानसी। गोपालगंज विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में मतदान करने सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे हुए हैं। सभी अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा दृष्टिकोण से DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SP आनंद कुमार ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया है और साथ ही मीडिया से बात करते हुए बताया है कि चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। तेहर इलाके में घोड़सवारों द्वारा देख रेख की जा रही है, किसी तरह के अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गोपालगंज विधानसभा में कुल 330 केंद्र बनाए गए हैं जहां 3,31,000 से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया, शांतिपूर्ण ढंग से सभी बूथ पे मतदान चल रहा है और प्रत्येक बूथ पे केंद्रीय जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ पेट्रोलिंग पार्टी है, जोनल पार्टी है, उसके ऊपर सुपर जोनल पार्टी है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सुपर जोनल पार्टी है। DSP SDO की टीम लगातार भ्रमण कर रही है। हम और DM साहब के द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है। कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना ही है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। घोड़े से भी किया जा रहा है जी, घोड़े भी लगाए। हाँ, एक घुड़सवार दस्ता MMP बटालियन के हम लोग को प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा भी जो देरा इलाके हैं वहाँ पर गश्त की जा रही है। और साथ ही साथ चूँकि जो गंडक नदी है कस की सीमा लगती है गोपालगंज के बॉर्डर से, 60 किलोमीटर लंबी वो है नदी है, हम लोग यहाँ से क्रॉस करती है, वहाँ भी जो 4 रिवर पेट्रोलिंग की पार्टी है उसके द्वारा भी गश्त किया जा रहा है। और जो ज़िले की और राज्य की जो सीमा है, हमारे UP के 2 ज़िले लगते हैं और बिहार के 4 ज़िले की जो सीमा है, चारों 6 सीमाओं पर कुल 10 जगह नाका लगाया गया है और आने जाने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखी जा रही है, वाहन चेकिंग किया जा रहा है। उस समय तो सील भी बूथ है नहीं, जैसा मैंने बताया कि सभी बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, तो कहीं से भी किसी समस्या होने की संभावना नहीं है। मतदान 7 बजे सुबह से शुरू हुआ है और अभी तक बिल्कुल पीसफुल है। हम लोगों के पास भी जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है वो ना के बराबर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था का चप्पे पे इंतज़ाम है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि मैं SP साहब भी, हम लोग फील्ड में मोबाइल हैं और ड्रोन कैमरे से, 9 ड्रोन कैमरे से, साथ ही घुड़सवार दल भी आया हुआ है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को निर्भीक होकर के मतदान करने में हम सहयोग करेंगे और वे उनसे अनुरोध करेंगे कि निर्भीक और निष्पक्ष होकर के मतदान करें। परसेंटेज आया सर, पल्ला किस तरह? अब परसेंटेज अभी 9 बजे के आसपास हम लोग आंकड़ा कलेक्ट करेंगे। अभी शुरुआत है और शाम के 6 बजे तक मतदान होना है, तो विभिन्न बूथों पर अभी जो मैं भ्रमण किया हूँ तो थोड़ा परसेंटेज वैरी कर रहा है अलग अलग बूथ का, हम लोग फिर कलेक्ट करके 9 बजे बनाएंगे। बिल्कुल, 2 पिंक बूथ है, 2 मिक्स बूथ है, एक है, एक जो है हमारा फिजिकली डिजेबल पीपल हैं उनके लिए भी हम लोगों ने बूथ बनाया है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।